पैर रख रहे ना तो ऐसे दब सा रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जल्दी सही कह रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर, और मैं हूँ पूजा। तो कल आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने रास्ते में मैं आपको व्यू दिखाया रास्ता कैसा है हरिद्वार से ऋषिकेश का, और आज मैं आपको ऋषिकेश पहुंचा दिया है मैंने आज। तो ये ऋषिकेश का ब्लॉग है, हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं पर अभी कमरे तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब जहां हमें रुकना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बस स्टैंड पहुँचे, वहाँ से हमने ऑटो लिया, अगेन ऑटो स्टैंड जहाँ पे हम लोग को ऑटो वाले ने रोक दिया, और इसके आगे ऑटो नहीं जाता है, आपको पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये है आपका राम झूला, ठीक है। यहाँ तीन झूले बने हुए हैं, राम झूला और लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। अरे बाबा, डेंजरस पुल है। हाँ, अरे बाबा, ये तो हिलता भी है, मेरी तो सांस थम रही है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि ये हिल भी रहा है। एक्चुअल में जब इससे मैं चल रही हूँ, देखिए थोड़ा थोड़ा ये मूव हो रहा है। एक तो कैमरा मूव हो रहा है क्योंकि मैं चल रही हूँ और पकड़ी हुई हूँ, और देखिए आपको ये, हम दोनों सारा सामान ये पकड़े हुए थे। सच में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जो लोग रेगुलर जा रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सामान भी ज़्यादा ही था। और ये देखिए जाने में कैसा लग रहा है व्यू। तो ये है राम झूले का, ऐसे ही तीन झूले हैं यहाँ पे, जिन्हें मैं सारे झूले आपको मैं दिखाऊंगी। और थोड़ा सा डर तो लग रहा था, और आपको पता है लोग यहाँ सेल्फी खींच रहे थे, बहुत देर तक खड़े थे, इंजॉय कर रहे थे, और हम लोग को ऐसा लग रहा था जल्दी से इसको क्रॉस करके हम उस जगह तक पहुँच जाएँ, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जब जो भी चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब स्ट्रीम होती है, स्ट्रीम से भी ज़्यादा। यदि बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा, और ठंड होती है तो बहुत ज़्यादा। ये ऋषिकेश की विशेषता है। तो आप लोग भी देख लीजिए ऋषिकेश का व्यू, और वाकई में बहुत सुंदर है, रियल में बहुत सुंदर है। अभी तो ये दोपहर का समय है, जब मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में इवनिंग टाइम दिखाऊंगी, यहाँ की आरती दिखाऊंगी, तब आप कहिएगा कि गजब हो गया, बहुत बढ़िया जगह है। और अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने जो रूम के लिए बात कर ली है तो हम वहाँ तक जाते हैं, और आज हम लोग रुकने वाले हैं यहाँ के गीता भवन में। तो अभी वहाँ पे जाएंगे, और ये देखिए दूर से झूला कैसा दिखता है, बिल्कुल पानी में ऊपर में है। तो हम लोग अभी सीधे गीता भवन जा रहे हैं यहाँ से, और वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग को यदि रूम मिल जाता है तो बस हमारा डेस्टिनेशन कम्प्लीट होगा। और इसके बाद फिर हम, ये देखिए गीता भवन की बिल्डिंग है, ये तो बहुत बड़ा बना हुआ है गीता भवन यहाँ पे, और ये बहुत बड़ा आश्रम है, ठीक है। गीता भवन एक बहुत बड़ा आश्रम है और बहुत अच्छा भी है। तो देखिए अभी हम लोग बस यहीं जा रहे हैं, और हस्बैंड जाएंगे अंदर बुकिंग के लिए, और मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने वैसे फ़ोन में तो बात की थी, और देखिए हम लोग ने फ़ोन में बात की थी पर कुछ नहीं हुआ, बहुत मन दुखी हो गया। यहाँ पे उन्होंने हमें ये बोल के मना कर दिया कि आप बहुत कम दिन के लिए यहाँ आए हैं, हम मिनिमम 7 days से कम के लिए रूम नहीं देते हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अब बहुत दिक्कतें हो रही हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पर ठीक है, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो निकाल ही लेंगे। तो अभी हम दोनों थोड़ा सा कूल हो रहे हैं, ये इन्हें तो गुस्सा आने लगा था कि हमने फ़ोन में बात की तब उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखते हैं कुछ और ही। और हमने कहा कि चलिए चलते हैं, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, वरना फिर यहाँ होटल्स भी अवेलेबल हैं। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि घाट के पास में ही रहें, इसलिए हम लोगों ने 2-3 आश्रम सेलेक्ट किए थे, जिनमें से एक गीता भवन था। अभी एक स्वर्ग आश्रम है यहाँ पर, तो अभी हम उसमें जाएंगे, तो चलते हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ, और आप भी चलिए हमारे साथ। और वहाँ जाने के बाद हमें रूम अवेलेबल हो गया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई और गीता भवन की असलियत पता चल गई कि
कहते हैं लोग कि बहुत अच्छा है, ये है वो है, पर उनको फ़ोन में बताना चाहिए था। तो ठीक है, उनकी जो भी पॉलिसी है उसको नहीं कह सकते हैं। और अब हम लोग स्वर्ग आश्रम में बात करेंगे। वैसे हमारी बात फ़ोन में अगेन उनसे हो चुकी है और उन्होंने बोला है कि बिल्कुल आप आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। पैदल जाना है, सामान साथ में है, और आप लोग देख रहे हैं कि फ्लैट रोड भी नहीं है, ऊपर नीचे है। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे रूम हमको अवेलेबल हो जाएगा, ऐसा श्योर है। हमने उन्हें पूरी बातें उनसे कर ली है, तो बस वहाँ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और अभी तो आप इन्जॉय करिए, और मैं आश्रम को दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो नेक्स्ट ब्लॉग में के लिए बने रहिए। और आपने राम झूला देखा, कितना प्यारा बना है ना, बहुत आश्चर्य वाली है लोकेशन, लेकिन बहुत सुंदर है। ठीक है, तो चलिए आप लोग यूँ ही बने रहिए और देखिए, मिलते हैं आपसे लास्ट में। डबल मास्क कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, कैसा लग रहा है ये बताया सबसे पहले? बहुत अच्छा लग रहा है ना, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि कोविड भी तो है। तो हमने स्वर्ग आश्रम में अपना सामान रख दिया है और हम नीचे आ गए थे खाना खाने के लिए, और फिर से उसी जगह पे आ गए। तो थोड़ी देर सोचा बैठ जाएं, तो वही रेस्ट कर रहे हैं। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आगे का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी तो आपको गंगा स्नान दिखाना है, आरती दिखानी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई